बात करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जो हालांकि वाराणसी सीट से 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार गए हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो ये बता रहा है कि ये इस हार में भी उनकी जीत है। सीधे बात उन्हीं से कर लेते हैं सर। पहले तो 1.5 लाख वोटों से आप हारे हैं, लेकिन मैं आपके लगातार आपको सुबह से सुन रहा हूँ, आपके कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, ये हार नहीं है, जीत जैसा जश्न आपके यहाँ हो रहा है। देखिए, उसका कारण ये है कि ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और बनारस में भाजपा ने एक दावा किया था ना 10 लाख पार, इस बार मोदी जी 10 लाख के पार। आप देखिए, जनता ने दिखा दिया कि जनता का प्यार जो सहयोग है वो अजय राय के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ नहीं है। और ये सत्ता के बल पर, धन के बल पर, बाहुबल के बल पर आप चुनाव जीत रहे हैं, प्यार नहीं है। और पिछली बार आप 4 लाख वोट से ज़्यादा जीते थे मोदी जी, पौने पाँच लाख, इस बार 1.5 लाख पे क्यों आ गए? 2014 में भी 2.5 लाख से जीते, तो वही तो कहा कि 2.5 लाख उसमें जीते थे और 4.5 लाख से जीते थे, अब 1 लाख 1.5 लाख पे आ गए। तो आपने अगर काम किया, आपने इतना विकास किया बनारस में, तो मार्जिन बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। तो 1.5 लाख से हारने का मतलब है कि मोदी जी की ये नैतिक हार है, ये नैतिक हार है, और ये जनादेश प्रधानमंत्री को बदलने का है। प्रधानमंत्री को पसंद नहीं कर रही है देश की जनता, ये जनादेश है, बनारस का भी जनादेश ऐसा ही है कि आप निश्चित तौर से जाइए, क्योंकि आपको सत्ता के बाहुबल, सत्ता के बल पर, पैसे के बल पर आप चुनाव जीत रहे हैं, जनता का दिल जीत कर नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी, यहाँ काशी की जनता ने मुझे 4,60,000 वोट दिया, सोचिए आप। ये इतना काम किए, गंगा मैया का इतना काम किया, गंगा मैया से झूठ बोला, गंगा मैया में नाले गिर रहे हैं, गाय गौ माता बह रही हैं उसमें, बनारस के अंदर सीवर भर रहा है, सीवर पानी, बनारस को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। तो आपको क्या लगता है क्यों इतना कम मार्जिन हो गया? आपने क्या रणनीति ऐसी बनाई है संगठन क्या? मानी जनता का आशीर्वाद है, जनता मोदी जी को पसंद नहीं कर रही, आपने लोगों के घर गिरवा दिए, आपने लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया, कोई कल कारखाने नहीं लगाए, सब महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात लेकर चले गए। जनता देख कर रूब चुकी है, तो वो लगा कि नहीं, अब सारा काम गुजरात ही करेगा, हम क्या करेंगे, बैठ के पकौड़े तलेंगे? पकौड़े तलने के लिए वोट नहीं दिया इनको। अब हालांकि अभी भी जो नंबर्स हैं वो एनडीए के पास ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या तीसरी बार एनडीए सरकार बनाएगी या इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है? जिस तरीके से लगातार दिन भर नीतीश कुमार को लेकर चर्चा चल रही है, चंद्रबाबू नायडू को लेकर चर्चा चल रही है, क्या इनपुट है, क्या नई ब्रेकिंग आप इस वक्त देना चाह रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जनादेश मोदी जी के खिलाफ है, मोदी जी के पक्ष में जनादेश नहीं। अगर जनादेश मोदी के पक्ष में होता तो निश्चित 10 लाख वोट से जीतते वो चुनाव, ये क्लियर हो गया। ये जनादेश मोदी जी के खिलाफ है, तो मोदी जी को चुपचाप सत्ता, अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर उनको निकल जाना चाहिए। लेकिन रणनीति अपनी क्या है, किन किन लोगों से बात होगी? आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके पास उस सूबे की जिम्मेदारी है जिस सूबे ने ही सबसे बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि बदलाव का संदेश दिया, जिस सूबे ने पूरा गेम ही पलट दिया एक तरीके से। देखिए, मैं जिस सूबे से आता हूँ, उस सूबे के लोग एकदम तैयार हैं हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, और सभी लोग एकजुट होकर उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हैं, और हम पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए खड़े हैं। तो क्या लगातार, क्या एनडीए में भी एक आपका बयान और भी आ रहा है कि जो राष्ट्रवादी होंगे वो इंडिया से इंडिया में आएंगे, इस तरीके से क्या? मैंने कहा ना कि जो संविधान को बचाने की बात करेगा, जो आज बेरोजगारी को दूर करने की बात करेगा, महंगाई को कम करने की बात सोचेगा, वो जरूर इंडिया गठबंधन के साथ आएगा, क्योंकि तो कॉरपोरेट की सरकार है। तो अजय जी, क्या बहुत सारे जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनसे क्या बात चल रही है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की? तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्य है, राष्ट्रीय नेतृत्व जरूर बात कर रहा होगा, और मैं समझता हूँ कि उनके टच में सभी लोग आएंगे, और इस देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए जरूर सब लोग साथ खड़े होंगे। यूपी में जिस तरीके से सपा और कांग्रेस ने मिलकर इतनी सीटें जीती, क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इस नतीजे को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये हमारा गठबंधन आगे भी चलता रहेगा, 2027 में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और निश्चित तौर से ये आज ये देख गया कि एक साथ सपा और कांग्रेस की जो गठबंधन हुआ, ये नेचुरल एलाइज है, और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। राहुल जी, चूंकि 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों से रायबरेली से जीते हैं, वाई नॉट से भी जीते, तो अब क्या लगता है आपको कि वो कहाँ, क्या यूपी में राहुल गांधी जी एक्टिव होंगे, किसी एक सीट को अगर बात आई? नहीं, निश्चित मैं चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ तो मैं चाहूँगा उत्तर प्रदेश रायबरेली, क्योंकि जिस तरीके सोनिया जी ने
रायबरेली की जनता से कहा कि आपको मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, तो निश्चित मुझे लगता है कि राहुल जी अपने उस परिवार जो पूर्वजों की सीट है उसको रखेंगे और जरूर उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपना सहयोग हम सबको देंगे, उनका सहयोग और प्यार हम सबको मिलेगा। एक चूंकि अब इस पूरे चुनाव में भले ही प्रियंका गांधी जी की चर्चा चल रही हो अमेठी से वार्ड मिलनी, लेकिन उन्होंने लगातार प्रचार किया, अमेठी में उन्होंने डेरा डाले रही हैं और उसके नतीजे भी रायबरेली से आए। प्रियंका गांधी जी को लेकर 2027 के चुनाव को लेकर जैसे तमाम सारी चर्चा चल रही है, तो 2027 के चुनाव प्रियंका गांधी जी को जोड़कर क्या समझा जाए? अरे भाभी 2024 की बात करिए, प्रियंका जी हमारी नेता हैं, वो हमारी बहन है और निश्चित तौर से उनको पूरे देश, पूरा देश उनको मानता है और पूरे देश के लोग में वो काम करती हैं, उन निश्चित तौर से वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही जुझारू नेता हैं और पूरे देश में उनका सम्मान है। अगर हम ये देखें कि बहुत सारी जगह जो नतीजे आए उसमें बसपा जहां पे अलग होकर लड़ी उसका अगर मार्जिन देखें, अगर बसपा अगर एक साथ आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ होती तो नतीजे और भी बड़े प्रतीत होते? देखिए बस पहले भी कहा गया था कि बसपा साथ आनी चाहिए, पर मायावती जी क्यों नहीं आई, क्या कारण था, क्या दबाव था? अब मायावती जी को अगर अपने वोटरों का ध्यान होता, अपने लोगों का ध्यान होता तो जरूर इंडिया गठबंधन के साथ आती, पर उन्होंने ना कर बहुत बड़ी चूक की है, बहुत बड़ी गलती की है। पूर्वांचल में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है बीजेपी का, क्या कारण मानते हैं? ये झूठी बात, जब उनके यहाँ प्रधानमंत्री की सीट जो 4 लाख से जीते थे, 4.25 लाख से वो 1.5 लाख पे आ गए, झूठी बात करना, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, नौजवान अपने भविष्य को तलाश रहा है, पर्चे लीक हो रहे हैं, अग्निवीर में आप केवल 4 साल के लिए बेवकूफ़ बना रहे हो, तो जनता ने देख लिया ये पूरा बिल्ड जो पूर्वांचल का, ये मेहनत का श्लोक है, मेहनती हैं, अब आगे बढ़ते हैं, सिपाही से लेकर सेना से लेकर हर फोर्स में BSF हर जगह बढ़े पड़े हैं, हर जगह लोग नौजवान यहाँ जाके देश की सेवा करता है, उनको लग गया कि इनके यहाँ भविष्य नहीं है, इन लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ का पूरा का पूरा परिणाम ही बदल दिया। तो आपने सुना हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने कहा कि भले ही वो 1.5 लाख वोटों से आ रहे हो लेकिन ये उनकी जीत है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री पिछली बार 4.25 लाख से जीते थे, सबसे पहली बार 2014 में 2.5 लाख से जीते थे, इस बार 1.5 लाख पर उनकी जीत आ गई, तो ये उनकी एक तरीके से नैतिक हार है। रही बात सरकार बनाने की, तो उन्होंने कहा है कि जो भी संविधान को बचाना चाहता है, जो दल भी संविधान के साथ है, राष्ट्रहित के साथ है, वो NDA के वो सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और वो सरकार बनाएंगे और उनको उम्मीद है कि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार संगठनों से बात कर रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।